स्कूल में एक छोटी बच्ची को चोट लगने पर बच्ची के माता पिता ने इस घटना की शिकायत स्कूल की प्रिंसिपल से की, लेकिन शिकायत पर ध्यान देने की बजाय प्रिंसिपल ने बच्ची के माता पिता को ही खरी खोटी सुना दी। प्रिंसिपल ने कहा कि आप बच्ची को घर में पढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसे स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। देहरादून में जैतनवाला के ग्रीन लॉन एकेडमी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची को चोट लगने से उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसकी शिकायत बच्ची के माता पिता ने स्कूल प्रिंसिपल से की, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए इस घटना से अपना पल्ला झाड़ लिया। प्रिंसिपल ने कहा कि अगर आपको स्कूल पर भरोसा नहीं है और आपको लगता है कि किसी ने आपकी लड़की को गिराया है जिससे उसे चोट लग गई, तो आप स्कूल से बच्ची को निकाल कर किसी और स्कूल में ले जाइए। अगर फिर भी विश्वास ना हो तो बच्ची को घर पर पढ़ाना शुरू कर दीजिए और कल से बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए कि प्रिंसिपल के इस बेतुकी बयानबाजी पर शिक्षा विभाग को क्या एक्शन लेना चाहिए। नवंबर में 29 नवंबर को इसका हाथ वो हुआ था फ्रैक्चर, तो मैम साफ साफ मना कर दी से हम नहीं जानते हैं। प्रिंसिपल मैम ने ऑपरेशन हुआ, फिर दोबारा हाथ चोट लग गया, बोल रही है निकाल लो यहाँ से बच्चे को, निकालते क्यों नहीं हो तुम, नहीं निकालोगे तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे तुम्हारे। जब हमारे स्कूल में विश्वास नहीं, जब हम विश्वास था तभी तो हमने एडमिशन कराया था बच्चे को, अगर विश्वास नहीं होता तो हम एडमिशन थोड़े कराते हैं। जितना 4 साल से बच्चा पढ़ रहा है, 5 साल से स्कूल में, सर बच्चे ऐसे पहले भी एक बार गिरा था, हमने कुछ नहीं बताया उस बारे मैम को, और दोबारा फिर ऐसे बच्चे गिरा हुआ है, पूरा हाथ सूज गया बच्चे का। आज हॉस्पिटल में आशुभारती ले गए थे, आज हॉस्पिटल उन्होंने एक्सरे वक्सरे किए, दवाई दवाई दी, उन्होंने जाँच किए। स्कूल के बारे में ये बोला था बच्चे को कम से कम केयर तो करें, उनको देखना चाहिए बच्चे को, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे तो कोई बात नहीं थी, बच्चे को स्कूल नहीं भेजा, बच्चे को निकालो नहीं तो हमारे पर एक्शन लेंगे। हम उसे जब डॉक्टर ने मना कर रखा था, डॉक्टर ने मना भी नहीं कर रखे बच्चे को स्कूल भेजने के, डॉक्टर ने भी मना किया, मैम अपने आप बोल रही है जब डॉक्टर ने मना कर रखा था आप क्यों भेज रहे बच्चे को स्कूल, जब स्कूल भेजोगे तो एक्शन लेंगे आपके ऊपर। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।